हमने दोनों थानों में बारी बारी इगवाकारी के इस धंधे को बेनकाब करने का फैसला किया। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे सच्चल गोट थाने पहुंचे, जहां के एएसआई सिकंदर को वो 2-3 रोज पहले ही रिश्वत दे चुके थे कि हम जब कहेंगे आपको हमारा बताया हुआ बंदा उठाकर लाना है। हमने अपना ही एक और नुमाइंदा थाने के करीब एक रेस्टोरेंट पर बिठा दिया और एएसआई सिकंदर हमारे नुमाइंदों के कहने पर कुछ सादा लिबास अहलकारों के साथ उसे उठाने उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। आप आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, भी नहीं बोल रहा हूँ, आ जाओ जैसे ही टीम सरेआम के नुमाइंदों के बताए हुए शख्स को बगैर किसी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई के उठाकर थाने में लाया गया, हमारे नुमाइंदों ने पुलिस अफसर सिकंदर को बताया कि हमारी गाड़ी मिल गई है, जो कि हैदराबाद में हमारे ड्राइवर के दोस्त के पास खड़ी है। उसूली तौर पर अब इस पुलिस अफसर को ड्राइवर बताए गए हमारे दूसरे नुमाइंदे को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि पैसे लिए बगैर ये करप्ट पुलिस अफसर और अहलकार एक कदम तक नहीं उठाते। इसने अगवा करके लाए जाने वाले हमारे नुमाइंदे से अपने किसी अजीज को बुलवाने का कहा। टीम सरेआम ही का एक और नुमाइंदा थाने में मौजूद दूसरे नुमाइंदे का रिश्तेदार बनकर थाने पहुंचा और इससे भी एएसआई सिकंदर ने बंदा छोड़ने के बदले 50,000 रुपए तलब कर लिए। बोले ना आप, जबान से बोले ना, जबान आपको नहीं अल्लाह ने दिए, तो फिर बताऊं क्या 50,000 दे। हमारे नुमाइंदे के ये कहने पर कि हम 5-10 हजार से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पुलिस अफसर का कहना था कि इतनी रकम पर तो SHO नहीं मानेगा। 50,000 कहाँ है, कितने हैं? 5,000 उसको। सिकंदर जो बाद अजां टीम सरेआम के हाथों बेनकाब होने पर कैमरे के सामने भीगी बिल्ली बन गया था, इस वक्त फिरौन बना हुआ था। ये बात बात पर हमारे नुमाइंदे से कहता कि बात करो वरना अपने बंदे की जमानत अब अदालत से करवाना, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। डराने धमकाने और बहुत बहस करने के बाद बिल आखिर पुलिस एएसआई सिकंदर सिर्फ 5,000 के बदले ड्राइवर बनने की अदाकारी करते हमारे नुमाइंदे को रिहा करने पर रजामंद हो गया। कितने हैं ये तुम्हारे पास? 5,000। सच्चल थाने के एएसआई सिकंदर ने जैसे ही 5,000 लेकर वो बंदा छोड़ा जिसे वो 10,000 लेकर उठाकर लाया था, हम अपने कैमरे और माइक उठाए थाने पहुंच गए। हमारे सलाम का जवाब देने के बाद सिकंदर ने वो पैसे ठिकाने लगाने की कोशिश की जो उसने रिश्वत के तौर पर कुछ ही देर पहले हमारे नुमाइंदे से वसूल किए थे। पहले इसने वो पैसे एक अहलकार की झोली में डालने की कोशिश की, फिर अपने तई हमसे और कैमरों से नजर बचाकर अपने साथ वाले अफसर के मेज के दराज में रख दिए। वो पैसे तो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, आपके पैसे रखना तो कोई मसला नहीं है, तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा। इधर आ जाएंगे। कौन से सर? सब रिकॉर्डिंग हुई है, अभी इसमें जो भी रखा वो भी पता लग जाएगा, वो भी कैमरे के अंदर आ गया है। आपकी गाड़ी चोरी हुई थी जी। किसने की थी? ड्राइवर ने। पकड़ा गया बंदा? हाँ बंदा। किधर है इनका बंदा? ये बंदे को ले आए। बंदे को ले आए। अब भला ये बंदा कहाँ से लाता? उसे तो वो 5,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ चुका था, सो इसने भागने में ही आफियत जानी, मगर अब ये भाग भी नहीं सकता था। हाँ। आपने जो अभी लिया है बंदा, वो तो क्यों लिया है, इनको क्यों दिया आपने बंदा? एक मिनट रुके, जाएंगे नहीं आप? मैं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। खड़े रहे, बदतमीजी, मजबूर नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। भागे ही ना, आराम से बात, खड़े रहे। हाँ।
किधर गया बंदा? कहां गया बंदा? आप बताएंगे ना यार, पुलिस वाले आप ही हैं। किधर है बंदा? कायदे और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किए बगैर या कम से कम रोज नामचे में इंदराज के बगैर या फिर इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल मौसूल हुए बगैर पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके थाने नहीं ला सकती। लेकिन एएसआई सिकंदर ने तो सिर्फ रिश्वत लेकर ये काम किया था। ये इनकी गाड़ी हुई थी, ठीक हो गया। उसे इसकी बात हो गई थी, ठीक है। इसने बोला मैं कोई कार्रवाई नहीं चाह रहा हूँ, जब उस पे एलिगेशन मेरे पास नहीं है, सही है। तो मैं क्या करूँ? एफआईआर दाखिल नहीं करवाना चाहते हैं, मैं कहाँ से करूँ? दरखास्त नहीं देना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो फिर लेके किस बुनियाद पे आप आए थे? एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई थी। उसने कहा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो बंदा किस तरह लेके आया? ये पुलिस अफसर मानने को तैयार ही नहीं था कि इसने रिश्वत ली है। सो हमने इसे इसकी रिश्वत खोरी का वीडियो सबूत दिखाया। वीडियो देखने के बावजूद ये मुकर रहा था जब तक इसके पैसे लेने के मनाजिर सामने नहीं आए। इस पर भी इसका कहना था कि उसने पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन वीडियो में ये रिश्वत के पैसे गिन कर जेब में डाल रहा था। नीट एंड क्लीन वीडियो बनी है आपकी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मेरे पास। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज को ना। 10,000 रुपए किस चीज के लिए यहाँ पे? ये मैंने रिटर्न कर दिया उसी टाइम, मैंने कहा पैसे में नहीं लिया। यार जेब में डाली है आपने? यार सिकंदर साहब बात पता क्या है, चोर पकड़ा जाए ना तो उसकी थोड़ी सी जो इज्जत रह जाती है वो बरकरार रह सकती है सच बोलने में। जी आप वो भी गवा रहे हैं झूठ बोल के। बोले मुझे, ठीक है, जो बोले मैं बिल्कुल। तो थोड़ी सी इज्जत रह जाती है इंसान, वो बंदा कहता है यार गलती हो गई थी, चलो। अब आप कह रहे हैं मैंने वापस कर दिया था, यहाँ जेब में डाल रहे हैं आप। पहले इनसे पैसे लिए आपने, फिर बंदा छोड़ने के फिर पैसे लिए, वो भी वीडियो दिखाएं यार। इनसे भी आपने पैसे लिए, 5,000 रुपए लिए या नहीं लिए? वीडियो दिखाएं या नहीं दिखाएं? लिए। बादिले ना खास्ता ही सही, लेकिन सिकंदर को मानना पड़ा कि उसने एक बेगुनाह शख्स को अमलन अगवा करके थाने लाने के लिए भी और फिर उसे छोड़ने के लिए भी पैसे लिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि थाना इस तरह चलता है? 5,000 उससे ले लिए, बंदा उठा के ले आए, इससे 10,000 ले लिए, उसको छोड़ दिए, ये क्या है? मैं नहीं, ये सारे यहाँ बैठे हैं, सब शरीके जुर्म है। नहीं, आप अपने अल्लाह को आपके किसी अफसर को नहीं पता था कि आप बंदा लेके आए? नहीं, अभी तक नहीं पता। इस अभी तक पता नहीं था कहने में सारा राज पोशीदा था। मतलब अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें बाद में बताना जरूर था। सो हमने SHO साहब के पास जाने का फैसला किया, जिनका दफ्तर अकबी कमरे में वाक़ था। अगर एक लम्हे को ये मान भी लिया जाए कि SHO अपने थाने में होने वाली रिश्वतखोरी में मुलव्वस नहीं है, तो भी वो कम से कम इतना कसूरवार जरूर है कि उसके अपने थाने में उसकी नाक के ऐन नीचे रिश्वतखोरी जैसा जुर्म हो रहा था और वो उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर भला वो अपने इलाके में होने वाले जराइम को क्या खाक रोकेगा? फिर कैसे कोई इतना अंधा कानून है इस मुल्क का कि एक गरीब आदमी को आप उठा के ले आएंगे बगैर किसी FIR के, बगैर मेरी गलती है इसकी। सर आप भी इस गलती में बराबर के शरीक हैं। सर साहब मुझे बताएं, नहीं मैं आया तो मेरी बात सुने, कोई उसूल नहीं है। ये उस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में कम से कम 4 आपके अफसर बैठे हैं। 10 मर्तबा इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि भाई मेरी ऐसी चीज नहीं करो। मेरी बात सुने, ये तो लॉलीपॉप हमें, अब तो मैं कहता हूं 7-8 साल खिला हो गया। मेरी अर्ज सुने ना, हमने 36 बार ये काम किया, 36 बार कोई खुदा का बंदा सिंध पुलिस के अंदर ऐसा हो, कोई एक बंदा जो कह दे कि मैंने नहीं लेने पैसे, या 7 साल में कोई एक बंदा तो मिल जाता है। आपको ये पता चले इधर का जो मैं आया हूँ जिस दिन से, आज तो समझो कि खुदा का बंदा ही हूँ आज। ASI सिकंदर का कहना था कि वो अभी अभी कोरोना के बायस जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आया है, लेकिन अफसोस के इसके बावजूद ये शख्स राह रास्त पर नहीं आया था।